1739 में भारत में किसका आक्रमण होता है? नादिर शाह का। उस समय मुगल सम्राट कौन रहता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को किस नाम से जानते हैं? रंगीला बादशाह। क्योंकि उसको अपने साम्राज्य की कोई खबर नहीं रहती है, केवल वो अपनी मस्त लाइफ में व्यस्त रहता है। समझ गए? सही है ना? अब इन सब चीजों का लाभ उठाने के लिए भारत पर किसने आक्रमण कर दिया 1739 में? नादिर शाह ने आक्रमण किया। अब नादिर शाह जब उस समय 1739 था, उस समय अवध आजाद हो चुका था। अवध के नवाब सादत खां, बंगाल अपने आप को स्वतंत्र कर चुका था। आजाद नहीं, स्वतंत्र कहेंगे, स्वतंत्र कर चुका है, ठीक। और उसको स्वतंत्र किसने करवाया? मुर्शिद कुली खां ने। हैदराबाद को चिंकिलिज खां। लेकिन इसके पहले ये लोग किसके कंट्रोल में रहते थे? मुगल वंश के। तो ये लोग अपने क्षेत्र का टैक्स किसको देंगे? मुगल को। सही है ना? क्योंकि अभी भी वो अपना स्वामी किसको मानते थे? मुगल वंश को मानते थे। तो जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह वही थे ना, मोहम्मद शाह ही मुगल बादशाह है ना। तो मोहम्मद शाह तो रंगीला बादशाह है, तो उनको युद्ध से तो कोई लेना देना है नहीं, कुछ पता है नहीं। अब इन्होंने नादिर शाह से युद्ध करने के लिए अवध के नवाब सादत खां को आमंत्रित किया और हैदराबाद के निजाम चिंकिलिज खां को आमंत्रित किया। तो जब सादत खां का टक्कर होता है नादिर शाह से, तो नादिर शाह इनको बंदी बना लेता है। किसको? सादत खां को। तो सादत खां अपने को जेल से रिहा करवाने के लिए नादिर शाह को उकसा देते हैं कि दिल्ली पे आक्रमण करो और आपको बहुत ज्यादा खजाना मिलेगा, समझे। तब उसके बाद नादिर शाह कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली में। लेकिन जब वो दिल्ली में आक्रमण करता है दिल्ली के साम्राज्य पे, तो आसपास के क्षेत्र से उसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है, और जब विरोध होता है तो बहुत ज़्यादा हानि भी होती है। तो जितनी भी हानि होती है, ऐसा नहीं केवल हानि होती है, लाभ भी बहुत होता है। क्योंकि शाहजहाँ द्वारा बनाया गया तख्त ए ताऊस कौन लूट ले गया? नादिर शाह। सही है? नहीं, अब तख्त ए ताऊस खत्म हो गया, रखा होगा ईरान में, लेकिन कोहिनूर हीरा नहीं है। कोहिनूर हीरे का इतिहास अलग है। कोहिनूर हीरा इस समय ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में है, वहाँ की महारानी है, इस समय है विक्टोरिया महारानी। हाँ, अरे विक्टोरिया वन, विक्टोरिया टू, विक्टोरिया थ्री, एलिजाबेथ प्रथम, ये नाम जो होता है थोड़ा रॉयल होता है ना, विक्टोरिया एलिजाबेथ थोड़ा रॉयल नाम होता है, इसलिए विक्टोरिया वन, विक्टोरिया टू, एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथ टू, यही नाम उन लोगों का रहता है। तो वही महारानी है वहाँ की। कहाँ कई पार्ट में कट गया जी? कटा नहीं था, बस एक वो अलग अलग क्षेत्र, एक बार इसके शासन में, एक बार इसके शासन में, एक बार इसके शासन में बटा, वो केवल एक से दौड़ रहा था, समझ गए, और कुछ नहीं हुआ था उसको। अच्छा, देखेंगे हम तो, अभी फिलहाल यहीं पे आ जाओ। कोहिनूर हीरा का इतिहास बताएंगे, है हमारे पास उसका पूरा इतिहास। तो कहाँ थे हम? नादिर शाह का आक्रमण। तो नादिर शाह ने आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह ने किसको आमंत्रित किया? सादत खां को। बच के रहो बेटा, यथार्थ, ठीक है। सादत खां और चिंकिलिज खां, किसको प्रांजल? सादत खां को और चिंकिलिज खां को। लेकिन उसने क्या किया? सादत खां को बंदी बना लिया। किसने? नादिर शाह ने। तब सादत खां अपने आप को रिहा करवाने के लिए उसको उकसा दिया, कहाँ पे आक्रमण करने के लिए? दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। और उसने दिल्ली पे आक्रमण किया, बहुत ज़्यादा धन लूटा, और फिर जितने लोग रास्ते में आए उनकी हत्या करते हुए वापस वो कहाँ चला गया? ईरान चला गया। तो जब वो ईरान में पहुँचा तो वहाँ के लोगों को उसकी क्रूरता के बारे में पता चला, तो वहाँ के लोगों ने इसकी हत्या करने की ठान ली। पहले वो उसको अपना नेपोलियन कहते थे, फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इनकी हत्या करने की ठान ली। और 1747 में ईरान के लोगों ने ही नादिर शाह की हत्या कर दी।
ठीक। अब वहाँ वहीं का ईरान का एक नागरिक रहता है जिसका नाम रहता है अहमद शाह। और अहमद शाह अपने क्षेत्र, चूँकि ईरान के लोगों ने विरोध करना शुरू किया, अब जो जो नादिर शाह के नक्शे कदम पे चलेगा ईरान के लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन ये नादिर शाह के सपने को पूरा करने के लिए भारत पे आक्रमण करना चाहते थे। तो इन्होंने अपने आप को पहले अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उस पे, उस क्षेत्र का अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। और वहाँ के रहने वाले लोग, अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं किस नाम से फेमस रहेंगे, अफगान के नाम से। वहाँ के लोगों ने इन्हें अपना शासक मान भी लिया। अब ये ईरान के नागरिक होते हुए कहाँ के हो गए, अफगानिस्तान के अफगान हो गए। इसलिए जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया 1748 में, सबसे पहली बार आक्रमण किया अहमद शाह के समय में ही, तो उसके बाद ये अहमद शाह, मोहम्मद शाह के समय में अहमद शाह ने आक्रमण किया था पहली बार। क्वेश्चन पूछ देता है वनडे लेवल पे कभी कभी कि पहली बार अहमद शाह अब्दाली ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह। तो वो आक्रमण करता है और 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। अब जब वो आक्रमण करता है तो सबसे पहले बार वो आक्रमण करता है पंजाब में। अफगानिस्तान से आएगा रास्ते में तो पंजाब पड़ेगा ना, तो पंजाब में आक्रमण करता है। फिर पंजाब के बाद फिर वो दिल्ली भी आक्रमण करता है। फिर जब दोबारा आता है वो कई बार आक्रमण करता है और यहाँ से खजाने को लूट के लेके फिर अफगानिस्तान में चला जाता है और वहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। उसका ये उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं भारत पे शासन करूँ, उसका ये उद्देश्य रहता है कि मैं यहाँ से सारे खजाने को लूट के लेके जाऊँ और किसको संपन्न करूँ, ईरान को, और जिस क्षेत्र पे उसका शासन है उसको संपन्न करूँ। तो जब अहमद शाह अब्दाली फिर आक्रमण जब करता है पंजाब में लगभग 1778 तक ये आक्रमण करता रहता है ना। अहमद शाह अब्दाली आता है, लूटता है, चला जाता है। तो जब ये पंजाब में आक्रमण कर रहे होते हैं तो पंजाब में उस समय मराठे अपने साम्राज्य का बहुत तेज़ी से विस्तार कर रहे होते हैं और साम्राज्य विस्तार करते करते वो कहाँ पहुँच जाते हैं, पंजाब में। और अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, उनको वहाँ से खदड़ने के लिए, भगाने के लिए कहा या वापस जाने के लिए कहा। और इन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली के बच्चे को किडनैप कर लिया। तब अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि छोड़ दो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। तो इन्होंने रिहा नहीं किया और यही जड़ था 1761 में पानीपत के युद्ध का। तो पानीपत के युद्ध में एक पक्ष कौन था, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरा पक्ष कौन था, मराठे। अब मराठों का देखो न्यू कहाँ से पढ़ा, मराठों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस मोटी मोटा पढ़ेंगे, पूरा कहानी नहीं पढ़ेंगे। 1727 में किसका जन्म होगा, शिवाजी, सॉरी 1627 में, सॉरी 1627 में किसका जन्म होगा, शिवाजी का, ठीक। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसके पहले ये लोग क्या करते थे, महाराष्ट्र में जो स्थानीय शासक होते थे, इनके पिताजी जो थे शिवाजी के, वो एक सैन्य प्रशासक के रूप में कार्य करते थे। और ये लोग क्या करते थे, अपने क्षेत्र से जो टैक्स होता था उस स्थानीय शासक को अदा करते थे। तो इनके मन में आया कि जब हमारे पास इतनी भूमि है, इतने क्षेत्र है, तो हम अपना एक साम्राज्य की स्थापना क्यों नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि सभी लोगों को एकत्रित करना शुरू किया, मराठा लोगों को, और एक नया साम्राज्य बनाया जिसका नाम क्या था, मराठा साम्राज्य। लेकिन मराठा साम्राज्य का विस्तार करते समय, चूँकि 1627 की बात हो रही है और अभी ये अभी पैदा हो रहे हैं, लगभग 10 साल 15 साल जब लड़ने या कुछ जानने लायक होंगे तब तो युद्ध करेंगे ना। और तब तक भारत में मुगल वंश में 1657 में कौन आ चुका है, 1657 में कौन आ चुका है जी, इसमें वो औरंगजेब अस्थायी रूप से और पूर्ण रूप से अपना जो राज्याभिषेक करवाएगा वो 1758 में कराएगा। तो कार्यकाल 1658 में, कार्यकाल तो वही चल रहा है ना। अंशु ठीक से बैठो, फिर से फोल्ड पैर से सही सही से करके बैठो।
जैसे पालथी मार के बैठते हैं और कैसे, तो फैला के बैठो फिर। औरंगजेब था, तो अब यदि ये साम्राज्य विस्तार करेंगे तो इनका टकराव किससे होगा, औरंगजेब से। और औरंगजेब इतना चतुर इतना चालाक कि बेचारे जब जाते हैं औरंगजेब से मिलने के लिए, हालांकि औरंगजेब ने कई बार इनको मरवाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था, लेकिन उल्टा वो लोग शिवाजी के हाथों मारे जाते थे। तो फिर बाद में उन्होंने जय सिंह को भेजा, जय सिंह जाते हो ना राजस्थान में, मेवाड़ के शासक सवाई जय सिंह, तो सवाई जय सिंह को भेजा। तो सवाई जय सिंह को वो पहचान, औरंगजेब ये जान चुका था कि अब शिवाजी को हराना बहुत मुश्किल है, तो अब जैसे भी हो इनके साथ संधि करके ही कार्य किया जा सकता है। तो जय सिंह को ये भेजते हैं। हाँ, बहुत तेज विस्तार हो रहा था, पूरा मध्य प्रदेश वाला कुछ क्षेत्र हो गया था, गुजरात वाला कुछ क्षेत्र हो गया था, महाराष्ट्र वाला भी मैक्सिमम क्षेत्र था इनका, मराठों का। तो औरंगजेब जय सिंह को भेजते हैं और बोलते हैं कि, तो जैसे ही जय सिंह आते हैं शिवाजी के पास, तो शिवाजी को लगता है कि शायद औरंगजेब को मेरे शक्ति के बारे में अंदाज़ा लग गया होगा, इसलिए वो मुझे बुलाए हैं मेरे सम्मान के लिए। तो बहुत खुश होकर जाते हैं, तो आगरा के किले में औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया, और जब कैद कर लिया तो किसी तरह वहाँ से निकल के बच के भागते हैं। फिर उनको समझ में मिठाई के डिब्बे में नहीं, वो होता है ना इतना बड़ा कैरेट वाला जो होता है, पत्तल वाला जो शादी वोदी में रहता है ना, पत्तल निकालते हैं लोग, तो उसी में नाव जिसको बोलते हैं, उसी में छिप के निकलते हैं बेचारे किसी तरह। फिर उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। फिर 1675 में ये राज्याभिषेक करवाते हैं अपना, लेकिन 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके शिवाजी की, इनके दो बेटे पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, तब डीप में पढ़ेंगे। अब इनके दो बेटे रहेंगे, संभाजी और राजा राम। संभाजी बड़े बेटे रहते हैं और राजा राम उनके छोटे बेटे रहते हैं। अब जैसे ही अब गद्दी पे बैठते हैं संभाजी, शिवाजी की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, संभाजी। अब संभाजी का टकराव किससे होगा, औरंगजेब से। जैसे शिवाजी को किडनैप किया था उन्होंने श्वेता, जैसे शिवाजी को किडनैप किया था वैसे उन्होंने अब किसको किडनैप किया, संभाजी। और संभाजी के साथ साथ इनके बेटे साहू को भी किडनैप कर लिया। अब किडनैप करके जेल में डाल दिया। अब ये लोग बेचारे कहाँ पे पड़े हैं, जेल में। अब सिंहासन मराठा साम्राज्य कौन संभाले, तो छोटे भाई राजा राम। तो राजा राम गद्दी संभालते हैं, तो इनकी बीवी का नाम रहता है ताराबाई और इनके बेटे का नाम रहता है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय ताराबाई के बेटे राजा राम के बेटे रहेंगे। और राजा राम बहुत अपने भाई का सम्मान करते थे, तो वो केवल साम्राज्य का देखभाल करते थे, और उनका उद्देश्य रहता है कि जिस दिन संभाजी जेल से छूटेंगे उस दिन राजा राम सारा जो जिम्मेदारी है वो संभाजी को वापस कर देंगे। लेकिन ताराबाई, औरतें होती खतरनाक है ना, लेकिन ताराबाई चाहती थी कि गद्दी किसको मिले, शिवाजी राजा राम को। क्यों, अपने बेटे को चाहेंगी ना, क्योंकि उनके हस्बैंड पिता उनके पति जी तो पागल हैं, अब वो थोड़ी पागल है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो चाहती है कि शिवाजी शासन को संभाले, शिवाजी द्वितीय। लेकिन राजा राम नहीं चाहते हैं। तो संयोग ऐसा रहता है कि 1699 चल रहे हैं हम लोग ना, तो 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, राजा राम की। राजा राम की मृत्यु हो जाती है। और इधर संभाजी के बेटे साहू कहाँ पे है, जेल में है। और पहले भी संभाजी की भी मृत्यु हो गई है, संभाजी की मृत्यु हो चुकी है, तो कौन आया, अरे सॉरी, वो जेल में चले गए। तो राजा राम आए तो वे चाहते थे कि जैसे ही संभाजी जेल से छूटेंगे सारा कुछ उनको दे देंगे, लेकिन बेचारे की मृत्यु हो जाती है, तो जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सारा जिम्मेदारी कौन संभालेगा, राजा राम संभालेंगे। और राजा राम की भी मृत्यु हो जाएगी 1700 में। और जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो अब इधर साहू भी कहाँ पे है, जेल में। अब ताराबाई को मौका मिल गया कि वो किसको राजा बना दे, शिवाजी को। तो उन्होंने मराठा साम्राज्य का प्रमुख किसको बना दिया, शिवाजी द्वितीय को। और चूंकि शिवाजी द्वितीय अभी बहुत छोटे थे, एकदम नाबालिग बच्चे थे, तो उनको साम्राज्य के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उनकी संरक्षिका के रूप में वो अपने कार्य करने लगी, कौन, ताराबाई। अब ताराबाई उनकी संरक्षिका बन गई, और राजा कौन बना, शिवाजी द्वितीय। और इधर साहू कहाँ पे है, जेल में है। और ये कहानी चल रही है कहाँ पे, 1700 तक, ठीक। अब 1707 में क्या होगा,
1707 में औरंगजेब की मृत्यु। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो अगला शासक बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम चाहता था कि अपने क्षेत्र का विस्तार वो कहाँ तक कर ले, मराठा तक। वो चाहते थे कि जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो कौन करे, मैं, क्योंकि औरंगजेब से तो इनकी बनी नहीं ना मराठों की। औरंगजेब से तो युद्ध होता रहा लेकिन मराठों ने उनके आगे घुटने नहीं टेके। अब ये बहादुर साहब फर्स्ट चाहते थे कि मैं मराठों को, इन दोनों मराठों को आपस में लड़वाऊं और जैसे ही ये लड़ना शुरू करें इनके क्षेत्र पे मैं कब्जा कर लूं। तो अब इनके ऊपर श्रेय आएगा ना कि जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो बहादुर शाह फर्स्ट किए। लेकिन उनको नहीं पता है कि मेरी मूर्खता है, क्योंकि मैं क्या हूँ, रंगीला बादशाह, सॉरी साए बेखबर। मतलब वास्तव में जब यदि मुझे ये उपाधि दी गई है तो मुझे साम्राज्य के बारे में कुछ पता नहीं है। और कहाँ औरंगजेब की, अच्छे अच्छे कंपनी के लोग भी उसके आगे घुटने टेक रहे थे। तब क्या किया इन्होंने, चालाकी ये लगाई कि जैसे ही ये राजा बनते हैं वैसे ही साहू को जेल से रिहा कर देते हैं। इसलिए कि साहू और शिवाजी तो लड़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी संरक्षिका ताराबाई, साहू और ताराबाई अपने में युद्ध करेंगे और उधर मराठा साम्राज्य किसका हो जाएगा, बहादुर शाह फर्स्ट का। लेकिन पासा पड़ जाता है उल्टा। मराठों में सबसे शक्तिशाली पोस्ट होता है पेशवा का, पेशवा एज लाइक प्रधानमंत्री। जैसे आज सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, और उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सम्राट होगा, सम्राट के बाद उसका मंत्री पेशवा, समझ गए। तो पेशवा एज लाइक प्रधानमंत्री का काम करता था। तो जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, पेशवा का नाम क्या था, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ ने साहू का साथ दिया और साहू की तरफ से उन्होंने ताराबाई से युद्ध किया और युद्ध में ताराबाई हार गई। 1708 से लेके 1714-15 तक ताराबाई और साहू के बीच में युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो उसमें ताराबाई हार जाती हैं। और जब ताराबाई हार गई तो इन्होंने ताराबाई को पेंशन भोगी के रूप में रख लिया। बोला कि ऐसा है कि आप एक कोने में पड़े रहो, अपना जीवन यापन केवल आराम से करो, बीच में ज़्यादा टाइम टाइम मत करो, ठीक। तो अब उसके बाद, अब चूंकि साहू किसकी मदद से जीते हैं, पेशवा की मदद से जीते ना, तो अब पावरफुल अपने आप को कौन समझने लगेगा, पेशवा। लेकिन अभी जो मराठा साम्राज्य है वो अपना प्रमुख किसको मान रही है, साहू को। इसलिए दिखावे के लिए सारा कर्ता धरता कौन रहेगा, साहू, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, पेशवा। समझ रहे, जैसे सेम स्ट्रक्चर जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, सारे शक्ति किसके पास, राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तविक शक्ति कौन यूज कर रहा है, प्रधानमंत्री। वैसे ही सारी वास्तविक नाम मात्र की शक्ति, या यूं कह लो सारी शक्ति किसके पास है, साहू के पास, लेकिन यूज कौन कर रहा है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ अपने आप को पेशवा के रूप में, यानी कि यदि अब मराठा सम्राट के प्रति बाद कोई व्यक्ति है तो वो सबसे शक्तिशाली कौन है, पेशवा है। पेशवा में बालाजी विश्वनाथ नहीं, पेशवा का पद। अब इसके बाद जो पेशवा के पद पे आएगा वो शक्तिशाली होगा। तो बालाजी विश्वनाथ अपने आप को 1713 में पहला पेशवा घोषित करते हैं कि अब सम्राट के पास सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास आ गई, पेशवा के पास। और जब तक साहू रहेंगे तभी तक सम्राट का पद चलेगा, और जैसे ही साहू की मृत्यु हो जाएगी सम्राट का पद समाप्त हो जाएगा। अब कौन आ जाएगा, पेशवा का पद आ जाएगा। मराठा साम्राज्य में सम्राट का पद गया और किसका आ जाएगा, पेशवा का आ जाएगा। तो 1713 से लेके 1720 तक बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा रहते हैं। अरे बोलो सही है, सही है ना, 1713 से लेके 1720 तक बालाजी विश्वनाथ इतने समय तक पेशवा रहेंगे। और इसी समय देखो मुगलों में क्या चल रहा है, 1719 का घटना याद करो आप, फरुख सियर, सैयद बंधु शक्तिशाली हो रहे, सही है ना। तो सैयद बंधु को मरवाने के पीछे फरुख सियर भी पड़ा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, फरुख सियर को मरवा दिया। अब उसके बाद आए मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह भी मरवाना चाहते थे किसको,
सैयद बंधु को। तो मोहम्मद शाह सैयद बंधु को मरवाने के लिए पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ का हेल्प लेते हैं, और बालाजी विश्वनाथ ने मोहम्मद शाह का साथ दिया और जो सैयद बंधु थे उनकी हत्या कर दी गई। अब भारत पे सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के थे, अरे भूल गया सब है ना, तो फिर मतलब क्या करूँ मैं, आती है ना ये श्वेता, जग जाओ नहीं तो फिर सोच लियो, हम नहीं जानते। बालाजी विश्वनाथ मोहम्मद शाह का साथ देंगे किसको मरवाने के लिए, सैयद बंधु को। तो सैयद बंधु भी गए रास्ते से। अब शक्ति मराठों में कौन आ गया, बालाजी विश्वनाथ, सॉरी मराठों में बालाजी विश्वनाथ के पास आ गई शक्ति, और साहू जो है वो नाम मात्र के हैं। अब जैसे ही बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है 1720 में, इनका बेटा आ जाता है बालाजी फर्स्ट। मूवी देखे हो बालाजी बाजीराव, सॉरी बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव मस्तानी मूवी देखे हो, नहीं देखे हो, देखे हो, बहुत शक्तिशाली रहता है ना, जितने भी युद्ध लड़ता है सब जीतता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि प्रेम के कारणवश बेचारा हारने लगता है, ठीक, मस्तानी के चक्कर में पड़ के। खैर वो बाद की बात है, अभी कहानी पे आते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ के बेटे कौन है, बाजीराव फर्स्ट गद्दी पर कब बैठेंगे, 1720 से 1740 तक। सत्रह सौ बीस से सत्रह सौ हम लोग पीछे की घटना पढ़ रहे हैं, इतिहास, ठीक है, हम प्रेजेंट की घटना नहीं पढ़ रहे हैं। तो 1720 से 1740 अगला पेशवा कौन आ गया, बाजीराव फर्स्ट। और बाजीराव फर्स्ट जो है केवल 20 साल का था, और 20 साल के युवा में जानते हो कितनी गर्मी होती है। अब उसके अंदर जुनून था जीतने का और मराठा साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में करने का, यानी इधर मुगल सम्राट का पतन हो रहा है और इधर मराठा सम्राट का उदय हो रहा है, यानी भारत का अगला दावेदार कौन होने वाला है, मराठा। और उधर हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों का भी उदय हो रहा है, समझ रहे हो। तो मुगल की शक्ति छीड़ हो रही है, मराठों की शक्ति का उदय हो रहा है, उधर अंग्रेजों की शक्ति का उदय हो रहा है। अब टक्कर किस में होने वाली है, अंग्रेज और मराठे में, सही है ना। अब इधर देखो, अब आते हैं बाजीराव पे। अब बाजीराव अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, मालवा को जीतता है, मालवा मध्य प्रदेश पढ़ा चुके हैं, मालवा का पठार, गुजरात को जीतता है, और इधर हैदराबाद से हैदराबाद को भी हराएगा, हैदराबाद के निजाम को। हैदराबाद का निजाम अपने आप को बहुत शेर समझते हैं, लेकिन बाजीराव के अंदर भी इतना ज़्यादा युद्ध जीतने की लालसा या इतना ज़्यादा एटीट्यूड यूँ कह लो कि आ गया था कि वो हर किसी को केवल क्या कर रहा है, हराता जा रहा है। उधर बंगाल को भी परेशान कर रहा है, इधर मालवा को भी जीत रहा है, उधर पंजाब में भी अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है, इधर दिल्ली में भी अपना अधिकार करने वाला है, और इधर हैदराबाद के साथ भी युद्ध कर रहा है। हैदराबाद के साथ एक युद्ध होता है, उसका पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध होता है, इसी 1730 या 1731 में होता है। तो पालखेड़ा डेट कंफर्म नहीं है, तो पालखेड़ा के युद्ध में वो हैदराबाद के निजाम को हरा देगा, और वहाँ के क्षेत्र से टैक्स लेने के लिए निजाम को बाधित कर देगा, यथार्थ क्या कर देगा, निजाम को बाधित कर देगा, किस लिए, टैक्स लेने के लिए। तो इधर हैदराबाद के निजाम की स्थिति बुरी हो गई, किसकी वजह से, बाजीराव फर्स्ट की वजह से। और उधर मराठा मालवा में भी वो अपना क्षेत्र विस्तार कर चुका है, और इधर गुजरात में भी कर चुका है, उधर दिल्ली तक कर चुका है, इधर बुंदेलखंड तक कर चुका है, इधर रुहेलखंड तक कर चुका है। बुंदेलखंड याद है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा, रुहेलखंड दिल्ली का के आसपास का क्षेत्र, और पंजाब में क्षेत्र विस्तार करता है, तभी तो अहमद शाह अब्दाली आएगा तो भगाएगा इनको, नहीं समझ रहे हो। अब इधर पंजाब में भी क्षेत्र का विस्तार, और इधर बंगाल को भी परेशान किए हैं, सबको परेशान किए। देखो 1720 से 1740 है, अभी अंग्रेजों का अधिकार बंगाल पे नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना, और 1740 तक अभी अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ है, और लेकिन बंगाल को परेशान कौन कर रहा है, इधर से मराठे। तो मराठे जो बंगाल है, इधर मराठों से परेशान हो रहा है, और उधर अंग्रेज खाली होंगे तो अंग्रेज परेशान करेंगे, इसलिए बंगाल बेचारा क्या हो जाएगा,
कमज़ोर हो जाएगा और बंगाल पे किसकी किसका अधिकार हो जाएगा? अंग्रेजों का। यदि यहाँ पे भारतीयों में एकता रहता, मराठे और बंगाल एक साथ संधि कर लेते, या अवध का नवाब या हैदराबाद के नवाब एक साथ संधि कर लेते, तो क्या अंग्रेज़ कभी भारत पे शासन कर पाते? नहीं कर पाते। ये सब के सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक ज्योग्राफिकल एरिया है इनका, है ना, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, लेकिन इस ज्योग्राफिकल एरिया में कई छोटे छोटे राज्य हैं। या यूँ समझ लो कि हर एक क्षेत्र में एक नया राजा और उस राजा का अपना साम्राज्य। किसी के अंदर यानी पूरी जनसंख्या के अंदर ये भावना नहीं थी, ये पूरा का पूरा भाग हमारा है और ये जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे अपने हैं। और जब किसी के अंदर ये भावना आती है तब उसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम, या उस ज्योग्राफिकल एरिया को तब क्या नाम दिया जाएगा? राष्ट्र। यानी अभी तक भारत राष्ट्र नहीं है, अभी तक क्या है? देश है। देश का मतलब एक भूभाग है जिसमें रहने वाली जनसंख्या है, लेकिन उस जनसंख्या में छोटे छोटे क्षेत्र है जो अलग अलग क्षेत्र में प्रशासन कर रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया एक ही है। और जब लेकिन यहाँ के जो आंतरिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं ये इस क्षेत्र को तो अपना मान रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ये अपना नहीं मान रहे। और जब इनके अंदर ये भावना आ गई कि इस क्षेत्र में रहने वाला हर एक व्यक्ति हमारे हमारे अपने हैं, तब ये क्या बना? राष्ट्र। तब सबके अंदर एकता आई, तब जाके भारत को आज़ादी मिली। तो ये राष्ट्र की भावना लाने का काम किसने किया? अंग्रेज ने। क्योंकि इन्होंने जितना क्षेत्र जीता उन सभी क्षेत्र पे ये अपना नियम चलाते थे। इसका मतलब कि यदि हम चाहें तो एक ही स्थान से पूरे देश के लिए नियम बना सकते हैं। अरे बोलो सही है, सही है। समझ गए? तो अभी तक अब ये सब कुछ किसके लिए चल रहा है? अभी भारत कोई राष्ट्र वास्ट्र नहीं है। यानी वास्तव में हमको राष्ट्र प्रेम की भाषा कौन समझा के गया है? अंग्रेज समझा के गए। इसलिए अच्छे हैं ना वो? देशद्रोही हो तुम लोग, देशद्रोही हो सब। जाओ, हाँ आराम से, हाँ सब जाओ। यथार्थ, अब जब सभी लोग चले गए हैं तो मैं क्या करूं? पॉज करो।